हाय फ्रेंड्स, चपाती मतलब रोटियां। गर्मा गर्म तो खाना सबको बहुत पसंद है, लेकिन जब रोटी पच जाए और ठंडी खानी पड़े तो सब नाक मुंह से कोड़ने लगते हैं। लेकिन अगर इन्हीं रोटियों को हम रीयूज करके नई डिश में बदल दें तो सभी बड़े चाव से खाएंगे। तो आइए आज हम बनाते हैं रोटी पोहा, जिसे राजस्थानी भाषा में छुकी हुई रोटी भी बोलते हैं। इसके लिए हम लेंगे रोटियां जितनी ठंडी बची हुई हैं। मैंने 15-16 ठंडी रोटी ली है, इनके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। 3-4 मीडियम साइज के आलू, 7-8 प्याज और 1 हरी मिर्च, इन सबको भी हम चॉप कर लेंगे। मसाले में हम लेंगे नमक स्वादानुसार या फिर 1-1.5 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1-1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। सीजनिंग के लिए हम लेंगे थोड़ा तेल और जीरा। अब सबसे पहले कढ़ाई में 2-3 टेबल स्पून तेल गरम करके हम जीरा तड़का लेंगे और हल्दी डालकर चॉप्ड आलू प्याज हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। लाल मिर्च और नमक भी डाल लेंगे। इसे मिलाकर कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे जब तक आलू थोड़े टेंडर हो जाएं। ये आलू थोड़े टेंडर हो गए हैं, अब हम इसमें तोड़ी हुई चपाती डाल देते हैं और साथ में इसे हिलाकर 4 ग्लास पानी डालकर फिर से कवर कर लेंगे। अगर रोटी थोड़ी सूखी हुई ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा लगता है, जैसा कि मैंने 4 ग्लास पानी डाला है। अगर रोटियाँ कम सूखी हुई हैं तो पानी कम लगेगा। अब 7-8 मिनट तक हम इसे पका लेंगे हाई फ्लेम पर, लेकिन बीच में चेक करते रहेंगे। इसे हम कढ़ाई की जगह कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में हम सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही डालकर प्रेशर ले लेते हैं। जब ये डिश पूरियों की बनाते हैं तो और भी बहुत टेस्टी बनती है। सब्जियां आपकी चॉइस पर है, चाहे तो गाजर आलू मटर का कॉम्बिनेशन बना लें या फिर आलू टमाटर प्याज या फिर पत्ता गोभी लौकी, जो भी आपकी इच्छा हो। सबसे बड़ी बात है हमारी ठंडी रोटी रीयूज होने के साथ साथ न्यूट्रिशियस भी हो जाती है इन सब्जियों से, और बड़े तो बड़े बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं इस डिश को। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। सर्व इट हॉट विद टोमेटो सॉस और कर्ड। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मैं नई रेसिपी डालूंगी तो आपके मेल पर आ जाएगी।